स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सीवीएस। ठीक है, मतलब हार्ट पढ़ेंगे, आज हार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला लेक्चर होगा हार्ट के बारे में। ठीक है, तो हार्ट, व्हाट इज हार्ट, किसी को पता है कि हार्ट क्या है? कोई बता सकता है साथ? वट इज हार्ट? हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच पम्प ब्लड टू द लंग्स एंड देन टू द होल बॉडी। पम्प विच हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच पम्प द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द होल बॉडी। ठीक है, ये हार्ट है। ये देखिए आप लोग के सामने ये हार्ट है। ठीक है, और ये हार्ट क्या करता है? पम्प करता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, जो कि हार्ट को आता है यहाँ से। ठीक है, वेना केवा से। ठीक है, एक इन्फीरियर है और एक पोस्टीरियर वेना केवा है। ठीक है, इनसे आता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर वो ऑक्सीजनेटेड होके बॉडी से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और बॉडी को ऑक्सीजन, बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को ऑक्सीजन पहुँचाता है। ठीक है, ये देखे, ये अब हार्ट की पूरे शेप और पार्ट्स है। ठीक है, देखिए ये आपके सामने दिखाए गए है हार्ट। हार्ट के कितने पार्ट्स है? हार्ट को हम डिवाइड करते हैं, देखिए, बेसिकली फोर फाइव पार्ट्स में। राइट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके अलावा इसको हम डिवाइड करते हैं टू वेन्स एंड आर्टरीज, एक पार्ट हम ये लेते हैं। ठीक है, ये फाइव पार्ट्स बेसिकली हम हार्ट के लेते हैं। अब देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है, मैं आपको मेंशन भी करता हूँ कि मैं आप लोगों को मेंशन भी करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि ये कैसे काम कर रहा है हार्ट, और ब्लड कैसे पंप होता है हार्ट में। ठीक है, देखिए ये हार्ट है। ठीक है, ये सुपीरियर वेना केवा है ऊपर राइट आर्टियम के ऊपर, और यहाँ पे इंटीरियर वेना केवा होता है, ठीक है, यहाँ नीचे। अब देखिए व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वेना केवा? वेना केवा इज कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम ऑल वेन्स, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल वेन्स एंड ट्रांसफर इट टू द हार्ट, टू द राइट आर्टियम ऑफ द हार्ट एंड टू द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। इट्स प्रोवाइड इट्स कलेक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड देन पुश इट, कैरी इट टू द हार्ट, टू द राइट साइड ऑफ हार्ट। ठीक है, नीचे यहाँ पे जो पोस्टीरियर वेना केवा होता है उसका फंक्शन क्या है, वो क्या करता है? वो लोअर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से, ठीक है, क्या क्या करता है? ब्लड को हार्ट तक लेके आता है, जबकि जो सुपीरियर वेना केवा है वो क्या करता है? वो बॉडी के अपर पार्ट से, मतलब वो पार्ट्स जो हार्ट के ऊपर है, मतलब फेस, ठीक है, ब्रेन एंड द अदर पार्ट्स, द आइज, एयर्स, इन सब सबसे, ठीक है, अपर पार्ट्स, जो पार्ट्स हार्ट के ऊपर है वहाँ से ब्लड कौन लेके आता है? सुपीरियर वेना केवा। ये ब्लड जब हार्ट के राइट वेंट्रिकल में इंटर होता है, ठीक है, तो वहाँ से वहाँ क्या होती है? फिर होती है आरटीएम, वेंट्रिकल कंट्रक्शन, जिसकी वजह से वो सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आरटीएम में चला जाता है। अब हार्ट में इन जो चार पोर्शंस है हार्ट हार्ट के, इनके बीच में छोटे छोटे रास्ते होते हैं। ठीक है, उन रास्तों के जरिए जब ब्लड राइट आरटीएम को जाता है तो एस ए नोड एक बार फिर से राइट आरटीएम को सिग्नल देता है, जो कि यहाँ पे एस ए नोड है, फिर एस ए नोड के नीचे
सॉरी ठीक है, तो थोड़ा सा मसला रहता। तो ऐसे नोड्स होते हैं ठीक है, ऐसे नोड्स के नीचे ए वी नोड्स होते हैं। क्या होते हैं ए वी नोड्स? ऐसे नोड्स सिग्नल देते हैं ए वी नोड्स को, और ए वी नोड्स जो है वो सिग्नल देते हैं परकंजी फाइबर्स को। किसको? परकंजी फाइबर्स को, विच इज़ आल्सो परकंजी फाइबर्स को देते हैं, विच इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द हार्ट हार्ट इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन। ठीक है, इस तरह से सिग्नल्स आते हैं जिसकी वजह से फिर वो सिग्नल परकंजी फाइबर के जरिए पूरे हार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, जब ब्लड राइट वेंट्रिकल को जाता है तो वेंट्रिकल कंट्रेक्शन होती है जिससे वो सारा ब्लड आरटीएम को जाता है। ठीक है, राइट आरटीएम को, जबकि सुपीरियर वेना केवा से ब्लड डायरेक्ट राइट आरटीएम तक पहुँच जाता है। यहाँ पे जब राइट आरटीएम कंट्रेक्ट करता है, तो जब आरटीएम कंट्रक्शन होती है, ये सारे चीज़ें एक खास रिदम में होती है, एक खास सीक्वेंस में होती है, तो ब्लड सारा जो है वो लेफ्ट आरटीएम में चला जाता है। ठीक है, जब लेफ्ट आरटीएम में चला जाता है तो तब एक बार फिर से आरटीएम कंट्रक्शन होती है, और ब्लड पल्मोनरी आरटीएम के जरिए, दिस इज़ द ओनली आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी विच कैरीड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये बात याद रखना। विच कैरीड दे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये ओनली सिर्फ यही एक है जो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ठीक है, तो फिर जब ब्लड यहाँ से जाता है लंग्स को, लंग्स में वो ऑक्सीजन हासिल करता है, ऑक्सीजन आता है, वो फिर से पल्मोनरी आरटीएम के जरिए वापस लिफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लेफ्ट आरटीएम में आता है, जहाँ पे एक बार फिर से आरटीएम कंट्रेक्शन होती है, और ये सारा ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, जहाँ से एक बार फिर से वेंट्रिकल कंट्रेक्शन होती है और सारा ब्लड आयोटा के जरिए बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, फिर ये जो है ये डिफरेंट पार्ट्स मेंशन किए गए हैं आरटीएम के, जहाँ से ब्लड मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होकर मुख्तलिफ जगहों पर जाता है। देखिए, जो पहला है वहाँ से पहले से नेक को, दूसरे को और दूसरे से आर्म को, और तीसरे को हेड को जाता है। ठीक है, मतलब ब्रेन और ईटीसी को, फिर ये आगे जाता है, आगे और डिवीजन होती है, और पूरी बॉडी में ये ब्लड सप्लाई कंट्रोल करता है। समझ आ रही है आप लोगों को कुछ बात मेरी? समझ आ रही है, फंक्शन पता चल गया कि हार्ट जो है वो ब्लड किस तरह से पंप करता है। तो ही था हार्ट का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों को हार्ट नज़र आ रहा होगा। ठीक है, मैं जूम करता हूँ, देखिए ये हार्ट है। ठीक है, अब ये जो है ये नीचे वाला, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन्फीरियर
वेना केवा, ठीक है, नीचे इन्फीरियर वेना केवा है, जबकि ऊपर साइड पे सुपीरियर वेना केवा है, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा जो है वो हाथों से, सर से, देखो आप लोग को नज़र आ रहा होगा, ये गया है सुपीरियर वेना केवा जो कि आगे फिर डिवाइड हुआ है, ऊपर ये गया है ब्रेन तक गया हुआ है, ठीक है। सारी जगहों से सुपीरियर वेना केवा ऊपर से ब्लड कैरी करती है, जबकि इन्फीरियर वेना केवा ये देखें नीचे, ठीक है, पैरों तक सारी जगहों से ये ब्लड कैरी करता है, जबकि ये आरटीएम है जो कि ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो ये ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो ये देखो आरटीएम से ये मुख्तलिफ किस्म के फिर ब्रांचेस निकले हुए हैं ऊपर, ये देखो हाथों की तरफ भी गए हुए, ऊपर भी गए हुए हैं और नीचे भी गए, ये देखो जैसे डिसेंडिंग आयोटा, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा कॉमन कार्डियल आर्टरीज, वर्टेब्रल आर्टरीज, ये सारे जो है इन मुख्तलिफ जगहों को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। अब देखिए ये देखिए यहाँ पे पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है हार्ट का, कि सबसे पहले जैसे मैंने बताया जैसे मैंने बताया कि पहले सबसे पहले राइट आरटीएम तक आती है और दूसरे साइड से नीचे से राइट वेंट्रिकल को ब्लड आता है इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के जरिए, ठीक है। ब्लड आता है राइट आरटीएम में जो पुश होता है राइट वेंट्रिकल में, जहाँ से ही पल्मोनरी आरटीएम जाता है वहाँ से लंग्स जाता है, लंग्स से लिफ्ट आरटीएम आता है, ठीक है। फिर मेटरनरी वाल्स के जरिया ये लेफ्ट वेंट्रिकल को जाता है, जहाँ से ये आरटीएम में और फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। ये हार्ट का पूरा प्रोसेस है जो कि मैं आप लोग को इंशाल्लाह सेंड भी करूँगा और यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं लेक्चर की तरफ, मतलब पीडीएफ देखते हैं, ठीक है, और वहाँ से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक जो है वो आपको बताया हार्ट है, तो देखिए सबसे पहले हार्ट, सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि व्हाट इज़ हार्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ हार्ट। सो हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन दैट सर्व टू कलेक्ट डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कैरी इट टू द लंग्स बाई टू ऑक्सीजनेटेड इट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है, जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स को, वहाँ पे इसका कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज करता है, जबकि ऑक्सीजन को ले लेता है। ठीक है, अब देखिए नीचे देखिए क्या, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ट। तो हार्ट के क्या प्रॉपर्टीज है, हार्ट पंप अराउंड 700 लीटर ऑफ ब्लड, ठीक है, इन अ डे, एक दिन में 7,200 लीटर ये कैरी करती है ब्लड के, ब्लड का जो है वो पंप करती है, ठीक है, एक दिन में। और इसके अलावा अब आगे देखिए, देखिए नीचे लिखा हुआ है दैट हार्ट इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट एंड पॉइंट स्लाइडली टूवर्ड द लेफ्ट। हार्ट का पोजिशन मालूम है आप लोगों को, हार्ट कहाँ पे है, हार्ट जो है वो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस से लेकर फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक है, ठीक है। और हार्ट जो है वो बिल्कुल सेंटर में है, लेकिन स्लाइडली स्लाइडली ये जो है लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, स्लाइडली लेफ्ट साइड पे है, क्योंकि वहाँ पे लंग्स है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे भी, तो हार्ट एक साइड पे नहीं हो सकता। इसी हार्ट के स्लाइडली लिफ्ट होने की वजह से जो लिफ्ट लंग है वो थोड़ा सा स्मॉल है इन साइज, ठीक है, मतलब स्मॉल नहीं है, ऐसे साइज में स्मॉल नहीं है, लेकिन शेप में स्मॉल बना हुआ है, ठीक है। ऑन एवरेज हार्ट बीट्स अबाउट
1 लाख टाइम आते हैं, दिन में 1 लाख टाइम हार्ट जो है वो धड़कता है, जबकि 3 बिलियन बार धड़कता है इन अ लाइफ टाइम। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि हार्ट 1 मिनट में कितना धड़कता है, तो आपको पता चलेगा कि दिन में कितना धड़कता है। ठीक है, ये भी आप लोगों से मैं अगली बार पूछूंगा कि हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। इसके अलावा देखिए, द एवरेज मेल हार्ट वेट, हार्ट का वजन क्या है। ठीक है, तो एक मेल जो है, मेल के हार्ट का वजन 280 to 340 ग्राम होता है। ठीक है, जबकि फीमेल का जो है वो 230 से 280 ग्राम तक होता है। ठीक है, यहाँ पे आउंस लिखा हुआ, आउंसेस, आउंसेस किसी को बताए व्हाट इज आउंस? आउंस जो है वो जैसे किलोग्राम का स्मॉलेस्ट यूनिट ग्राम है, ऐसे पाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट आउंस है। ठीक है, इन एडल्ट हार्ट बीट अबाउट 60 to 80 टाइम पर मिनट। देखो नीचे लिखा हुआ है, मैंने कहा पूछूंगा, जबकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी हार्ट बीट एक एडल्ट से ज़्यादा होती है, फास्ट होती है, जो कि 70 to 190 बीट्स पर मिनट होती है। जब अगर हार्ट बीट जो है वो 150 से ज़्यादा होती है, तो इसको हम कहते हैं PVC, प्री मिच्योर वेंट्रिकल कंट्रेक्शन। ठीक है, और ये बात याद रखनी है कि हार्ट जो ब्लड पंप करता है उसमें क्या होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि डाइजेशन में डाइजेशन में कलेक्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो कलेक्ट होते हैं। ठीक है, और वो जो है वो फिर डिफरेंट सेल को डिलीवर करता है। हार्ट जो है वो एक ऑफिस है, पंपिंग ऑफिस है, डिलीवरी ऑफिस है, और ब्लड जो है वो डिलीवरी बॉय है। ठीक है, वो न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन जो है वो डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट टिश्यूज़ को प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, जैसे साल्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड एक्सिस वाटर, वो भी सारे किडनी सेल्स तक पहुंचाते हैं और गॉल ब्लैडर के जरिए पर वो बाहर चले जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हार्ट जो है वो ये ब्लड जो है, ठीक है, ये कुछ फ्लूइड्स बॉडी के जो इंटरस्टेलर फ्लूइड्स है, ठीक है, वो भी ब्लड से बने हुए हैं, ब्लड के सेल्स है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चलते हैं, और जो कि हार्ट का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि स्मॉलेस्ट सेल्स तक, हर सेल तक, लाइट ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स एंड डिफरेंट सेल्स ऑफ हार्ट, डिफरेंट सेल्स ऑफ सॉरी डिफरेंट सेल्स ऑफ ब्लड, वो सब कुछ जो है वो स्मॉलेस्ट सेल्स और इंटर सेलुलर स्पेस में नहीं घूम सकते। ठीक है, थीके? जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस लिखा हुआ है, वो इंटर सेलुलर स्पेस है, तो वो इंटर सेलुलर स्पेस में नहीं जा सकते। इसलिए इसको, इसके लिए हार्ट ने क्या किया है, हार्ट ने ब्लड को इस तरह से पंप किया है कि हार्ट के कुछ फ्लूइड्स जो है, ठीक है, वो अंदर चले जाएंगे सेल्स में। आप लोगों ने देखा होगा, अगर जब कोई गिर जाता है, ठीक है, और उसका हाथ ज़मीन पे, हाथ या कोई जगह रगड़ जाती है, ठीक है, वहाँ पे देखो तो वहाँ से वाइट वहाँ से सॉरी वाटर की तरह, ठीक है, फ्लूइड्स निकलते हैं। ठीक है, दैट्स फ्लूइड्स इज कॉल्ड इंट्रासिटियल फ्लोइड। क्या कहते हैं? इंट्रा सिटीटल फ्लोइड्स। ठीक है, अब हार्ट की एनाटॉमी आप लोगों को बताए, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ हार्ट? देखो हार्ट का लोकेशन क्या है, हार्ट इज, मैं दिखाता हूं, हाइया देखो आप लोग यहां पे इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हार्ट का लोकेशन क्या है। ठीक है, देखो हार्ट जो है वो बिल्कुल सेंटर में है, ये बिल्कुल सेंटर है बॉडी का। ठीक है, हार्ट बिल्कुल सेंटर में है, लेकिन ये स्लाइडली क्या है, लेफ्ट साइड को है। क्या है? स्लाइडली, स्लाइडली लेफ्ट साइड को है।
ठीक है। इसके अलावा देखें, हार्ट की का अगर लोकेशन देखे हार्ट का, ठीक है, तो हार्ट का क्या लोकेशन है देखे, ये फर्स्ट सेकंड, ये है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है, जो कि आप लोग जो आम पिट है, आप लोगों का आम पिट जानते हो ना, ये जो आम पिट है, ठीक है, आम पिट से हम सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में इंटर हो सकते हैं, ठीक है, सॉरी ये, हाँ ये सेकंड, और यहाँ पे 3/4, दिस इज द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, आप सॉरी आप सेकंड को नहीं, आप फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस जो है वो आपके आर्म पिट के नीचे है, और इसके जरिए आप जो जो एक्स्ट्रा स्पेस है लंग्स लंग्स के बाहर, ठीक है, वहाँ तक आप लोग रसाई हासिल कर सकते हैं। जब कोई बंदा एक्सीडेंट करे या कुछ करे और उसका उसको ब्रीथिंग में मसला हो, वो ब्रीथिंग इरेगुलर कर रहा हो, तो आप लोग चेक करेंगे कि क्या एक एक्स्ट्रा लंग्स का जो स्पेस है उसमें तो क्या फ्लूइड या फिर या कुछ और कोई एयर वगैरह ना चली गई हो उसकी वजह से, वरना वो बंदा मर सकता है। फिर आप लोग क्या करेंगे, आप फोर्थ या सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में एक 4 इंच तक के सिरिंज या फिर किसी चाकू वगैरह से वहाँ पे काटेंगे, अंदर जाएंगे, ठीक है, और ये सेकंड और फोर्थ से क्यों, क्योंकि सेकंड और फोर्थ पे नर्व सेल नहीं है, ना ही वेंस है, तो हम कुछ भी डैमेज नहीं करेंगे, जबकि सीधा लंग्स तक पहुंच जाएंगे। वहाँ पे क्या होगा, जो जो फ्लूइड या हवा भरी होगी वो वहाँ से उस फोर्थ या सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस जहाँ पे हमने इंसीजन की होगी वहाँ से निकल जाएगी, ठीक है, ये बात याद रखना मेरी, ये बातें हमें सिखाई नहीं जाती, ये हमने सीखनी है, ठीक है, कि हमने इमरजेंसी में क्या क्या करना है, हमने ईआर रूम में क्या करना है, हमने हमने ओआर रूम में क्या क्या करना है, हमने इमरजेंसी रूम या फिर ऑपरेशन थिएटर में क्या करना है, ठीक है। अब देखिए आगे, इट लाइज इन द प्रोटेक्टिव थोरेक्स, पोस्टीरियर टू स्टर्नम एंड कॉस्टल कार्टिलेज, ये सब आप खुद पढ़ लेंगे, ठीक है, मुझे यकीन है ये एक बार आप खुद पढ़ ले, ठीक है, मैंने आपको समझाया भी कि हार्ट कहाँ पे है, ठीक है, हार्ट के ऊपर पोस्टीरियरली स्टर्नम, हार्ट के पोस्टीरियर साइड पे स्टर्नम आया हुआ है, स्टर्नम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, क्योंकि वो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। वैसे हम पैरों के जो हड्डियाँ हैं उनमें से एक स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन मानते हैं, यस वो लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट है, बल स्टर्नम इज द स्ट्रॉन्ग देन स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हार्ट की क्या कहते हैं उसको, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, कि व्हाट इज हार्ट, व्हाट इज द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ हार्ट, हाउ द हार्ट इज डेवलप्ड। सो द हार्ट इज इन द बिगिनिंग वी नो इन द फिटिग, आफ्टर द थर्ड वीक द हार्ट स्टार्ट टू कंस्ट्रक्टिंग या आप फार्मिंग, ठीक है, और हार्ट क्या होता है, एक क्रिस्ट शेप में, जिसे चौदी की चांद होती है, ठीक है, चौदी का चांद होता है, उसी की तरह हार्ट एक क्रिस्ट शेप में होता है, ठीक है, और वो क्या क्या करता है वहाँ पे, वो फिर बड़ा होता है, सिंगल लेयर हार्ट ट्यूब होता है, जो कि फिर बड़ा होता है और अपने ट्यूब्स बनाता है, ठीक है, फिर उससे उसके प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब्स होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं आरटीएम वेंट्रिकल से, ठीक है, फिर वो जब सब कुछ मिल जाता है, वो सब कुछ मिल जाता है, तो आफ्टर द 23rd डे, ठीक है, तो 23rd डे के बाद, 23वें दिन के बाद कंडक्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, एंड आफ्टर कंसेप्शन द हार्ट बिगेंस टू बीट,
ठीक है, मतलब 23 दिन के बाद हार्ट का सिस्टम बन जाता है और हार्ट बीटिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। देन ऑन द फोर्थ एंड फिफ्थ वीक, फोर्थ और फिफ्थ वीक पे क्या के बाद क्या क्या होता है, वॉल्स फॉर्मेशन शुरू हो जाती है और हार्ट के डिफरेंट वॉल्स बन जाते हैं। जबकि 8 वीक के बाद क्या होता है, हार्ट हार्ट की का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, हार्ट जो है वो प्रेगनेंसी के 8वें महीने तक बन जाता है, ठीक है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ द हार्ट इज कंप्लीट बाय द 8 वीक आफ्टर कंसेप्शन। एनी अर्ली चेंजेस इन दिस प्रोसेस कॉज्ड बाय जेनेटिकली मेटरनली और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हेलो, वालेकुम सलाम, खैर दीजिए, खैर दस खैर। ना زدي سلكتلي وما دي اسطنبول تكامل بس اغلى ما بس او تسنگ خير كان خير او بيج सो प्रेगनेंसी के 8वें महीने तक हार्ट कंस्ट्रक्शन हो जाती है, 23वें दिन तक जो है हार्ट बीटिंग शुरू करता है, जबकि 3rd वीक में हार्ट कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है जो कि पहले 14वीं की चांद की तरह होता है। इस प्रोसेस में कुछ चेंजेस आ सकते हैं जो कि जेनेटिकली हो सकते हैं, मेटरनली हो सकते हैं या इंस्टेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, जिसमें हार्ट में माल फंक्शन हो सकती है, हार्ट में डिजीजेज आ सकते हैं, ठीक है। अब आप ये डायग्राम देखें, देखिए पहले देखिए ये देखिए हार्ट जो है वो 14वीं की चांद की तरह होता है, फिर लॉन्गेटेड हो जाता है। देखिए ये राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम और ये वेंट्रिकल बना हुआ है, ठीक है। जबकि जबकि इंटीरियर जबकि जबकि इंटीरियर जो होता है इंटीरियर साइड, जबकि इंटीरियर और पोस्टीरियर साइड जो होता है, जब इंटीरियर साइड है सॉरी, वहाँ पे वाल बनना शुरू हो जाता है, फिर सेक्शंस डिवाइडेड डिवाइड होते हैं, ठीक है, और ये कंबाइन आरटीएम है। जबकि फिर पूरा हार्ट बन जाता है, ये देखिए इंटीरियर हुए ना के बाद सुपीरियर हुए ना के बाद राइट आरटीएम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आरटीएम, ठीक है, और आयोटा, ठीक है, और ये सब कुछ देखें, ये मेन पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, और पेटेंडिंग डक्टल आर्टियम, ये सब जो है ये बन जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। कंसेप्शन किसे कहते यस, हैं? कंसेप्शन कंसेप्शन क्या कंसेप्शन क्या आप फिर से बताए प्लीज, कंसेप्शन कंसेप्शन कंसेप्शन? यस सर, पिछली स्लाइड में था, आपने दिखाया लिखा है पिछले स्लाइड आफ्टर में, कंसेप्शन, सर ये आफ्टर कंसेप्शन हाँ आफ्टर कंसेप्शन, कंसेप्शन यस। क्या ये समझ नहीं आया, फिर से बोलूँ, कंसेप्शन बताओ कि व्हाट इज कंसेप्शन। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, देखिए आफ्टर कंसेप्शन मीन्स कि उसके बाद, कंसेप्शन जस्ट एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, यस सर। कंसेप्शन का मतलब जो है वो है कंसेप्शन मीन्स, असल में कंसेप्शन मीन्स है कंस्ट्रक्शन, बनना, ठीक है। आफ्टर कंसेप्शन बनने के बाद द हार्ट बिगेन्स टू बीट, हार्ट बीटिंग शुरू कर देता है, ठीक है। या नीचे देखो, एंड द फॉर्मेशन ऑफ द हार्ट इज कंप्लीट, हार्ट का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है बाय द 8 वीक, 8वें वीक तक आफ्टर कंसेप्शन, बनने के बाद सर, वो मीन्स आप तो बता रहे थे, आप तो बता रहे थे कि
हार्ट बीट करना शुरू कर देता है 8वें महीने में नहीं, प्रेगनेंसी आठवें के। वीक में, सॉरी, आठवें वीक हार्ट बीट शुरू करता है आफ्टर 23 डेज ऑफ प्रेगनेंसी, हार्ट बीट शुरू कर देता है, ठीक है, जबकि फोर्थ और फिफ्थ वीक के बाद क्या वॉल्स, हार्ट के वॉल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जबकि 8th वीक में हार्ट कंप्लीट हो जाता है। यानी कि प्रेगनेंसी के बाद सर, हाँ, ऐसे ना। प्रेगनेंसी के बाद हम बात कर रहे हैं कि हार्ट जो है, हार्ट जबकि अब कंसेप्शन पता चल गया, क्लियर हो गया तुम्हें? अगर यस सर, वो क्लियर, आप 8th मंथ कह रहे थे इसलिए मैंने पूछ लिया। ठीक सॉरी, वो मैंने गलत कह दिया होगा, देखो है ठीक है। वो मेरी गलती होगी, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि ओके सर, नो प्रॉब्लम, समझ आ जाए नो तुम्हें। प्रॉब्लम। देखो, 3rd वीक के बाद क्या होता है, हार्ट बनना शुरू होता है, हार्ट कंसेप्शन शुरू होती है, ठीक है, फिर यस सर, 23 डेज के बाद, मींस 23 डेज कितने आते हैं, 23, 7 दिनों का वीक होता है, ठीक है, तो मतलब 3 वीक्स, अठारह 3 वीक्स। थर्ड वीक में जो है, 3rd वीक के आखिरी दिनों में हार्ट बीटिंग शुरू हो जाती है, जबकि 3rd वीक के एंड होने तक, एंड होने से पहले पहले हार्ट कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, जबकि 23वें दिन हार्ट का जो ही कंस्ट्रक्शन होता है, जो 3rd वीक होता है, 3rd वीक के बाद के 23 दिन, मतलब ऑन द सिक्स्थ, ऑन द फोर्थ फोर्थ और फिफ्थ वीक जो है, हार्ट बिगनिंग ऑफ 4th वीक सर, बिगनिंग। बीटिंग शुरू हो जाती है, जबकि इसके बाद जो फोर्थ वीक है उसमें क्या होता है, उसमें वॉल्स बनना भी शुरू हो जाता है, जबकि फिर जो 8th वीक है वहाँ पे क्या होता है, 8th वीक में, 8th वीक में हार्ट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन लेकिन देखो, ये पीरियड चेंज भी हो सकती है, क्या हो सकती है, चेंज भी हो सकती है, किन वजह से, जेनेटिकल रीजन, यस सर, जेनेटिकली या फिर मिटरनरी, ठीक है, या फिर इन्वायरमेंट की वजह से जो होता है वो हार्ट का जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो सकता है, जल्दी भी बन सकता है हार्ट और लेट भी बन सकता है, ठीक है, और ये पे जो है, ये डायग्राम ये हमें शो करता है कि हार्ट जो पहला जो पीरियड था, ठीक है, जो 3rd वीक था उसमें क्रिस्ट बना है, ठीक है, फिर 4th वीक तक क्या हुआ है, हार्ट में वॉल्स बनना शुरू हो गए, यहाँ पे ऊपर देखो ये, ठीक है, फिर जब हार्ट बीटिंग शुरू करता है, ठीक है, तो फिर 8 वीक तक, 8 वीक से पहले हार्ट इस शेप में आता है, जहाँ पे सारे जो हार्ट के जो हिस्से हैं, ठीक है, थीके? वो सारे बन जाते हैं, ठीक है, लाइक फिर वो आठवें लाइक वीक डॉट के एंड कॉम। ठीक में हार्ट जो है वो कंप्लीटली बन जाता है, ठीक है, है सर, हाँ, तो ये हमने आज क्या क्या पढ़ा, हार्ट पढ़ा, हार्ट के फंक्शन पढ़े और हार्ट की एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी, ठीक है, बाकी जो हार्ट के ठीक फंक्शंस वगैरह है वो, और जो डिजीज है हार्ट के, हार्ट की जो हिस्ट्री है, ठीक है, वो हम फिर कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, कल इंशाल्लाह हार्ट जो है ये हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, हार्ट की एनाटॉमी, हार्ट की जो है पैथोलॉजी, ये सब कुछ हम कंप्लीट करेंगे, तो हार्ट कल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर है हम दूसरे दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह।
सो इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं, ठीक है, और आज के लिए बस इतना।